friends, welcome to this session of Raghuvansh English Learning and Improvement Classes. We are going to deal with the most important and also most confusing topic of the whole English grammar, that is known as tense. Tense को हिंदी में कहते हैं काल और tense को three parts में divide किया गया है. तो time तीन प्रकार के होते हैं. The time which is running is known as present tense. The time which has passed, जो बीत गया है and has no relation with the present, उसको हम कहते हैं भूतकाल. काम भूतकाल में ही शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया. Present tense में हम देखते हैं काम past tense में शुरू हुआ and also is running in the present, अभी भी चल रहा है. और future tense का मतलब होता है that the work has yet not been started and it will take place later on, ये बाद में होगा. तो हम पहले एक एक tense को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब की सिचुएशंस को समझना पड़ेगा कि हाउ मेनी काइंड्स आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स को हमने कितने भागों में बांटा है, ये हमने पांच भागों में बांटा है. एक तो वर्ब की सिचुएशन होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट में इसके दो फॉर्म्स होते हैं V1 SRES. तो प्रेजेंट के दो फॉर्म हो गए, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो देखिए, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ दिस प्रेजेंट टेंस. सिंगुलर नंबर के साथ SERES लगता है और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. पास्ट पार्टिसिपल V2 का प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है. पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म V3, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है V1 प्लस ING या ING फॉर्म. अब हम एक शब्द लेते हैं प्ले. प्ले मीन्स खेलना. अब प्रेजेंट टेंस में इसके एक और, इसका एक और फॉर्म बन जाएगा प्लेज. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्ले के साथ प्लेज आ जाता है. सेकेंड फॉर्म इसका हो जाएगा प्लेड. प्लेड ऑल्सो इज द थर्ड फॉर्म एंड प्लेइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और ING फॉर्म इसको कहते हैं. तो अब हम वर्ब्स के तीनों फाइव पार्ट्स को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में इन वर्ब्स के कैसे, किन रूपों को हम यूज करते हैं. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मतलब है, वाक्य के अंत में है, हैं या हूं लगा होगा. लेकिन इसके देयर आर फोर सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इनडेफिनिट. प्रेजेंट इनडेफिनिट इसका मतलब ये सिंपल, प्रेजेंट सिंपल ही कहते हैं इसको. प्रेजेंट सिंपल. अब प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या हुआ कि इनडेफिनिट द वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल रनिंग. It shows the incompleteness of the verb. Verb की incompleteness को दिखाता है कि action has not been completed. It is started in the past, still running. So it is indefinite. ये अनिश्चित है कि कब ये समाप्त होगा, उसकी complete कब होगा, ये निश्चित नहीं है. इसलिए present indefinite tense में ऐसे वाक्यों के अंत में हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, ये आ जाते हैं. और इनके शब्दों का क्रम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. इसमें एस या ईएस होगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, प्लस ऑब्जेक्ट इसके बाद कर्म होगा सिंपल सेंटेंसेस में, एंड प्लस अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए जैसा हमने कहा कि ताहे, तीहे, तेहे आता है वाक्य के अंत में,
लेकिन इंग्लिश के वाक्यों के लिए कैसे आप पहचानेंगे कि दैट विल बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? देयर आर सम सर्टेन वर्ड्स व्हिच इंडिकेट द प्रेजेंट सिचुएशन. हम ऐसे शब्दों को देखते हैं जैसे सेंटेंस में ऑलवेज, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, नेवर, सेल्डम, बहुत कम, रेयरली. हैबिट को शो करने वाली चीजें, नेचर को शो करने वाली, अपने स्वभाव को शो करने वाली जितनी वर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेंगे. और ऑल द नेचुरल यूनिवर्सल हैपनिंग्स, जितनी भी यूनिवर्सल हैपनिंग एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सब सिचुएशंस, यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब हम एक उदाहरण लेंगे. ही राइट्स ए पैराग्राफ डेली, पैराग्राफ डेली, डेली, एवरी डे, ये सब इसमें और भी कई सारे शब्द होंगे. तो डेली इट मींस दैट दैट एक्शन हैपेंस डेली. इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है. ही राइट्स, ही के साथ एसईआईएस लग गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वह एक निबंध लिखता है, वह एक पैराग्राफ लिखता है. पैराग्राफ, लेकिन अगर वे एक पैराग्राफ लिखते हैं होता तो दे राइट ए पैराग्राफ हो जाता, उसमें एसईआईएस नहीं लगता. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जो प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन काम पहले से शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, जो अभी भी चल रहा है. रेगुलर चलता है, नहीं भी होता है, अक्सर चलता है, ऐसे टेंस, ऐसे सिचुएशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं. दूसरा टेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको काम लगातार चल रहा होता है. द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, also it is started in the past. ये past में शुरू तो हुआ but still it is still progressing in the present, अभी भी चल रहा होता है. ऐसे वाक्यों के अंत में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है. और we one plus ing का प्रयोग होता है verb में. इसकी helping verbs होते हैं is, are और am. इनके साथ हम सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं. जैसे उसी सेंटेंस को लेते हैं, वह रोज एक पैराग्राफ लिख रहा है. द एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, जस्ट एज आई एम टीचिंग टू यू, मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, आप इंग्लिश इस समय स्टडी कर रहे हैं. तो प्रेजेंट में व्हाट द एक्शन इज गोइंग ऑन, जो एक्शन चल रहा है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. और ये अब आप देखिए कि वो एक रोज पैराग्राफ लिख रहा, इसमें आप देखेंगे कि वो पैराग्राफ इसमें नहीं लिख रहा, बट द एक्शन इज कंटिन्यूइंग स्टार्टिंग विद द पास्ट, पास्ट से स्टार्ट तो हुआ है लेकिन वो रोजाना लिख रहा है. तो इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ही इज राइटिंग ए पैराग्राफ. मतलब जो एक्शन है, जो एक्शन अभी समाप्त नहीं हुआ है और चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे. इसके कुछ इंडिकेटिव वर्ड्स जो हैं, ये हमें ध्यान रखना है. नाउ, एट प्रेजेंट, दिस टाइम, इस समय, presently, these days, इन दिनों,
nowadays, aajkal. These are the different words which indicate present indefinite tense. ये दिखाते हैं कि present indefinite tense में काम अभी चल रहा है. जब हम कहते हैं now इस समय at present, this time इस समय, just as I am writing this time on the board, presently वर्तमान समय में हम कहते हैं presently he is working in a factory. These days आजकल कीमतें बढ़ती जा रही हैं. These days the prices of the commodities are rising. Nowadays the crimes are increasing. आजकल crimes बढ़ते जा रहे हैं. तो इन situations के लिए present continuous tense का प्रयोग करेंगे. लेकिन इसमें यह ध्यान रखना होगा कि present continuous tense जो है वो past tense से related होता है. जैसे हमने कहा आजकल हम economic survey कर रहे हैं. अब सर इस समय तो जब हम इस समय बात बोल रहे हैं इसमें इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हमारा चल रहा है. तो द एक्शन विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल रनिंग दैट शोस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. सो लेट्स गो ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट इट मीन्स दैट द वर्क हैज कंप्लीटेड the time when we are speaking. जब हम बोल रहे हैं तब तक वो काम समाप्त हो चुका है present में. हालांकि वो काम हो चुका है इसको हम कहेंगे past tense में. But it has relation with the present. इसका present से relation है. इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है. It means that it shows that the work has been completed in the present at that time the when the person was speaking. इसके इस tense को express करने के लिए हमें has या had दो helping verbs होती हैं. इनके साथ be third का प्रयोग किया जाता है. कर लिया है, कर चुका है, कर चुके हैं. उसी sentence को हम लेंगे. He has written a paragraph. He has written a paragraph. इसका मतलब कि the time at which it was spoken, जब ये बोला गया था, तो at the time, by the time he had completed his work, he has written a paragraph. अब present perfect situation को show करने वाले कुछ words हैं, जिसमें रिसेंटली हाल ही में जस्ट अभी अभी ऑलरेडी पहले ही सिंस जब से सो फार अब तक टिल नाउ अब तक. दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स विच शो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So far, अब तक काम पूरा हो चुका है. इसी को हम कहेंगे, इसी सेंटेंस को लेंगे. He has completed his paragraph. वो अपना काम पैराग्राफ लिख चुका है, काम पूर्ण हो चुका है. But that has relation with the present. और जैसे हम कहें कि I have read कालिदास. कालिदास वॉज बॉर्न इन द वेरी अर्ली टाइम ऑफ द पास्ट. लेकिन जब हम कहते हैं कि मैंने कालिदास को पढ़ लिया है, इसका मतलब कि यू आर ज्वाइनिंग और रिलेटिंग द रेफरेंस विद द पास्ट और उसका प्रेजेंट से रेफरेंस हम जोड़ रहे हैं. तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, लिया है, दिया है, किया है, आगे आना चाहिए. एंड फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. फोर्थ present perfect continuous. इसका मतलब perfect भी हो चुका है और continuous मैंने लगातार भी चल रहा होता है. ऐसे वाक्यों में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं. समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, याद आना चाहिए. देखिए आप रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी आया था.
लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें समय लगा होता है और वही समय डिसाइड करता है परफेक्ट टेंस को. तो इसमें देयर आर दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कॉन्टिन्यूअस शोज स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन एंड परफेक्ट सम पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. तो इसका मतलब कि उसका कुछ पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है. अब इस सेंटेंस पे लिखें, मैं आधे घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं. इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले हम इसमें देख लें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब में आई एन जी का प्रयोग होता है एंड सिंस और फॉर का प्रयोग होता है. ये समय को शो करने के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम के साथ. यहां क्योंकि टाइम आधा घंटा लिखा हुआ है, इसलिए हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस टू इंग्लिश? आई देन हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन. आई हैव बीन पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर. फॉर हाफ एन आवर. एक दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, मजदूर सुबह से सड़क की मरम्मत कर रहे हैं. मजदूर के लिए होती है वर्कर्स, वर्कर्स. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बहुवचन में है वर्कर्स, हैव बीन, हैव बीन. मरम्मत करने की इंग्लिश होती है रिपेयर, रिपेयरिंग, आईएनजी लग जाएगा. द रोड, हैव बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस मॉर्निंग. यहां क्या आपने डिफरेंस देखा इस सेंटेंस में? ओनली डिफरेंस इज द यूज ऑफ फॉर एंड सिंस इन दीज टू सेंटेंसेस. यहां पर फॉर का प्रयोग हुआ है, यहां पर सिंस का प्रयोग हुआ है. तो फॉर कहां लगाते हैं? फॉर इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ टाइम, ए कलेक्शन ऑफ टाइम, उसको हम फॉर से यूज करते हैं, फॉर से प्रकट करते हैं. एंड सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, वह बिंदु जब से स्टार्ट हुआ, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट. डेफिनेट टेंस में आईए का उच्चारण होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा और इसमें कुछ ऐसे शब्द भी आने चाहिए जैसे यस्टरडे. पास्ट को शो करने वाले कुछ शब्द ऐसे आएंगे, यस्टरडे, लास्ट टाइम, डे, ईयर, मंथ. ये सब पिछले बीते समय के लिए ये सब प्रयोग किए जाते हैं. प्रीवियस, एटसेट्रा, ये वर्ड्स जो हैं वो इंडिकेट करेंगे पास्ट टेंस को. अब इसके बाद दूसरा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब भूतकाल में कोई काम उस समय चल रहा था जब स्पीकर वहां पहुंचा, उसने क्या देखा, द वर्क विच वॉज गोइंग ऑन व्हेन ही रीच्ड देयर. तो उस समय की कंडीशन को, उस समय के प्रेजेंट कंडीशन को हम पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे. इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आने चाहिए. और इसमें वाज और वर का प्रयोग होता है, प्लस वर फर्स्ट आई एन जी का प्रयोग होता है. वह एक निबंध लिख रहा था, वह कल शाम को एक निबंध लिख रहा था. ही सब्जेक्ट, ही वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग, रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज राइटिंग,
A and essay in the evening, शाम को, yesterday. कल शाम को वह एक निबंध लिख रहा था. तो इसको हम दो सिचुएशन से प्रकट कर सकते हैं. एक तो वैसे ही लिख रहा कि he was writing an essay in the evening yesterday, और एक कंडीशन वो जबकि कोई वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा. When his friend reached there, he was having his lunch. जब उसका फ्रेंड वहां पहुंचा तो वो लंच ले रहा था. इस प्रकार से वहां उसने क्या देखा. द अदर पर्सन वॉज हैविंग हिज लंच. द सिचुएशन वॉज एट द टाइम गोइंग ऑन. वो एक्शन चल रहा था. इसलिए हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे कि उसमें पहुंचने पर क्या एक्शन चल रहा था. दैट विल बी एक्सप्रेस विद वॉज और वर प्लस आई एन जी इन द सेट इन द वर्ब फर्स्ट पार्ट. नाउ पास्ट थर्ड सिचुएशन ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट भूतकाल में कोई काम पूर्ण हो चुका है तो इसलिए उस स्थिति को हम कहेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे. इसी तरह से लिया था, दिया था, किया था, लिया था, दिया था, की थी, ली थी. ये सब वर्ड्स वाक्य के अंत में आते हैं और इसमें द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट टिल द टाइम समवन रीच्ड देयर. जब तक वहां कोई पहुंचता है तब तक वो काम उसके पहले पूर्ण हो चुका होता है. जैसे द डॉक्टर हैड given the medicine to the patient before his attendant came there. Attendant के पहुंचने से पहले ही patient को doctor medicine दे चुका था. ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया था और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं. वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क बाय द इवनिंग यस्टरडे. कल शाम तक हम अपना काम कर चुके थे. यस्टरडे टाइम हैज पास्ड नाउ. और इसमें कल शाम को काम किया नहीं बल्कि कल शाम तक वो काम कर चुका था. हम लोग काम कर चुके थे इसलिए इस स्थिति को शो करने के लिए परफेक्ट टेंस का उपयोग किया गया है. फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट में समय के साथ अगर रहा था रही थी, रहे थे आदि का प्रयोग हुआ हो तो इसमें हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ये प्रयोग की जाती है. हैड बीन एंड वर्ब वन प्लस आई एन जी का प्रयोग. जब अध्यापक कक्षा में आया विद्यार्थी 10 मिनट से पत्र लिख रहे थे. 10 मिनट से लगा हुआ है. यहां पर हमें टाइम जरूर लिखना पड़ेगा कितने समय से लिख रहे थे, कितने समय से काम हो रहा था. When the teacher
came into the class, students, second subject है, दो sentences हैं, students had been writing a letter for, यहां क्योंकि period of time है, for 10 minutes. तो this is all with the past tense, different situations, dealing with the different situations, we have clarified each and every situation in past tense. Now remains the future tense. Third, future tense. भविष्यत. It means that the work will take place in the next time or in the coming time. भविष्यत काल में समय जो है वो काम, भविष्यत काल में काम शुरू किया जाएगा, अभी शुरू नहीं हुआ. इस वाक्य के अंत में गा गी गे आता है जो कि हम लोगों ने पहले लिखा. अब हम लिखेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इनडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, इसको सिंपल भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर. इसके इस टाइप के सेंटेंसेस में आएगा, एगी आगे आते हैं, जाएगा, खाएगा, खाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, अर्थात गा गी गे जरूर आना चाहिए. गा गी गे हर टेंस में आता है, इसके जितने पार्ट्स हैं गा गी गे वाक्य के अंत में आता है. इसकी हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो विल और शैल होती हैं, जिनके माध्यम से हम फ्यूचर टेंस को शो करते हैं. फ्यूचर टेंस में विल और शैल आएगा एंड वी वन का प्रयोग किया जाएगा. अब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जो फ्यूचर टेंस को शो करेगी? इसमें सेंटेंस में नेक्स्ट का प्रयोग होगा, द कमिंग, कमिंग टाइम अर्थात कमिंग डे. टुमारो का भी प्रयोग होगा, कल जो काम करना है. और इसमें जो प्लान्ड वर्क, जो वर्क हमने प्लान कर लिया है वो हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में. जैसे कल प्रधानमंत्री जयपुर आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर विल कम टू जयपुर. आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा. इसका मतलब कि सम प्लान्ड वर्क, इसको शो करने के लिए हमें फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है. इसमें सबसे पहले वह आज शाम को एक पत्र लिखेगा. उसी सेंटेंस को हमने लिया जो कि हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से ही लिखते चल रहे हैं. इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेशन ही. इसके बाद विल और शैल का में से एक लगाएंगे, विल. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, लिखना की इंग्लिश है राइट. ही विल राइट ए लेटर इन द इवनिंग, इन द इवनिंग टुडे. अब कभी कभी क्या होता है, फ्यूचर टेंस की कुछ सिचुएशंस को हम प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम एक्सप्रेस कर देते हैं. जैसे कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, अगर आपका एक प्लान बना हुआ है कि दैट यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, इसको हम प्रेजेंट टेंस के माध्यम से भी हम व्यक्त कर सकते हैं इस भाव को. आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू जयपुर टुमारो. तो इस सिचुएशन को हम प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर टेंस की सिचुएशन से भी हम अपनी बात को कह सकते हैं. इसीलिए इसको फ्यूचर टेंस तो जरूर माना गया है, लेकिन इस सिचुएशन को प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करने की वजह से आजकल केवल दो ही टेंसेस का प्रयोग होता है. मतलब हम कहते हैं फ्यूचर टेंस की बात गा गी गे, लेकिन हम उसको प्रेजेंट टेंस के माध्यम से भी, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुमारो इन द सिटी. इसलिए अराइव्स प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, लेकिन टुमारो भी कह रहे हैं, इसका मतलब अगला आगे आने वाला समय के लिए बात की जा रही है. तो इसमें थर्ड फ्यूचर टेंस में पहला है फ्यूचर इनडेफिनिट,
दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी सिचुएशन हिंदी में रहे होगी। इनसे हम व्यक्त करेंगे रहा होगा आदि, और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैली का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे कल कोई बात हमें कहनी है कि डोंट कम टू मीट मी टुमारो, आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग, कल इस समय मत आना, कल मैं इस समय मीटिंग अटेंड कर रहा हूंगा, तो कल की बात को उस समय की वर्तमान सिचुएशन को डील करने के लिए हमें आईएनजी का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना पड़ता है। वो एक निबंध कल दोपहर में लिख रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, ही विल बी राइटिंग ए लेटर इन द एट नून करने या इन द नून टुमारो। At noon, at night, in the evening, in the morning, तो हम यहां at noon इसको कर दें, वैसे in the noon भी सही है, क्योंकि जब particular, at noon का मतलब एक particular time पे, और noon का time जब हम 12 बजे से 2 बजे 3 बजे तक का time अगर हम noon को लेंगे तो in the noon कहेंगे। वह एक निबंध कल दोपहर में लिख रहा होगा। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कल इस समय मत आना, मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा हूंगा, कर रहा हूंगा। डोंट कम टू मीट मी यस्टरडे टुमारो, डोंट Come to meet me tomorrow this time, इस समय जो कि फ्यूचर टेंस के लिए होगा, this time I will be attending a meeting. वैसे आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल विल का प्रयोग सभी के साथ प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात कल जो काम निश्चित किया गया है उस दौरान कोई काम चल रहा होगा, उस रनिंग कंडीशन को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। अब हम लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट थर्ड सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में काम भूतकाल में समाप्त हो चुका होगा किसी समय तक, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसी तरह से लिया होगा, किया होगा आदि भी, लिया होगा, किया होगा, ली होगी, की होगी, लिया था है, ली होगी, की होगी, कर चुकी होगी, की होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, सहायक क्रियाएं इसकी विल हैव या शैल हैव, ये फ्यूचर को व्यक्त करने वाली है और हैव परफेक्ट को शो करने वाली है, इसलिए विल हैव शैल हैव। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के भी रूप में जानते हैं। जैसे हमने कहा कल शाम तक मैं ये काम कर चुकूंगा, कल शाम तक मैं ये काम कर चुका हूंगा, कल शाम तक मैं ये काम समाप्त कर चुका हूंगा,
तो सब्जेक्ट है यहाँ आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क बाय द इवनिंग टुमारो, बाय द इवनिंग टुमारो, कल शाम तक जब कहा जाएगा टुमारो। अगर मान लीजिए यहां पर बाय द इवनिंग नहीं होता और केवल टुमारो होता तब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता, आई विल कंप्लीट दिस वर्क टुमारो, कल मैं ये काम करूंगा। लेकिन जब बाय लग जाता है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि तब तक द कंप्लीटनेस ऑफ द वर्क। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लास्ट पार्ट ऑफ दिस फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, पूर्ण भी और कंटीन्यूअस भी चल रहा होगा, अर्थात हर चीज हम फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं कि कल इस शहर में रहते हुए मुझे इतने साल हो रहे होंगे, कल अध्यापक को कक्षा में 10 बजे से पढ़ाते हुए 2 घंटे हो जाएंगे, हो रहे होंगे, इस तरह से हम शो करेंगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय के साथ, इसमें समय के साथ आएगा, समय के साथ, क्योंकि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें समय आना जरूरी है, नहीं तो ये केवल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रह जाएगा अगर समय नहीं लगा होगा। जैसे वह उसी पत्र लिखने की बात को या सेंटेंस को हम किस रूप में लिखेंगे, वह कल शाम को पत्र लिखते हुए कल शाम को, इस सेंटेंस को हम अलग से लिखते हैं कि वह कल शाम को आधे घंटे से पत्र लिख रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा। कल की सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए कल शाम को जब हम कहें कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो उसके पहले से आधे घंटे से वो पत्र लिख रहा होगा, ही विल हैव बीन, सॉरी इसका हमने हेल्पिंग वर्क और नहीं लिखा, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर हाफ एन आवर इन द इवनिंग, शाम को, टुमारो। इसी प्रकार के दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि मैं अगले साल तक जयपुर में 20 साल से रह रहा हूंगा। इसका मतलब कि उस समय जब टाइम बताया जा रहा हो है तो उस समय भी रह रहा होगा 20 सालों से, मैं अगले साल तक जयपुर में 20 साल से रह रहा हूंगा। आई शैल हैव या विल हैव, दोनों में से जैसा मैंने कहा कोई भी लिख सकते हैं, ज्यादातर आई के साथ भी आज विल का प्रयोग हो रहा है, आई शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 5 years till next year, अगले साल तक या अगले साल के अंत तक, by the end of the next year भी हम कह सकते हैं।
तो इस प्रकार से फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट्स और प्रेजेंट पास्ट के अन्य चारों पार्ट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग कुछ ऐसी सिचुएशन देखेंगे जिसमें कि टेंस कुछ है और एक्सप्रेशन उसका किसी रूप में हम दे रहे हैं। जैसे मैं उसे 10 साल से जानता हूं, मैं उसे 10 साल से जानता हूं। अब आप देख रहे हैं ये वैसे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इधर आप कह रहे हैं 10 साल से भी। तो अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखते कि मैं उसे 10 साल से जान रहा हूं तो ये सेंटेंस गलत लगता है। मैं उसे 10 साल से जानता हूं इसका मतलब कि 10 साल जानते हुए हो गए हैं और अभी भी मैं उसको जानता हूं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? दीज आर सम टिपिकल सेंटेंसेस जिसे हमें जानना जरूरी है। आई, ये लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आई हैव नोन him, I have known him for 10 years। अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि 10 साल का मतलब तो has been और have been भी आना चाहिए, लेकिन एक वर्ब कुछ ऐसी होती हैं जिनको वर्ड वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं, समझ वाले वाक्य या सेंस से रिलेटेड शब्द जो होते हैं उनमें कभी आईएनजी नहीं आता है। तो हम इस चीज को देखेंगे कि सम वर्ब्स डोंट टेक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लेंगी भी तो उनका दूसरा अर्थ हो जाएगा। अब ये कौन कौन से हैं? नो, बहुत सारे हैं, हम कुछ लिख देते हैं। नो, appear, seem, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे नो, appear, seem, look, imagine कभी नहीं कहा जाएगा, माइंड, माइंडिंग कभी नहीं कहा जाएगा, माइंडिंग अगर कहा जाएगा तो दूसरा अर्थ इसका हो जाएगा। इमेजिन, लव, लविंग नहीं होता है, हेट, ये वर्ड्स ऑफ परसेप्शन कहे जाते हैं, इट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वॉच इट्सेट्रा, इनके साथ वर्ब आईएनजी नहीं आता है, के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता। लेकिन हम एक वर्ड ऐसा लिखते हैं एक सेंटेंस जिसमें माइंड mind में माइंडिंग का प्रयोग, जैसे हम कहते हैं क्या आप मेरा बुरा तो नहीं मान रहे हैं, आर यू नॉट माइंडिंग माई वर्ड्स, ये गलत है। इसको क्या आप मेरी बात का बुरा मान रहे हो, इसको हम कैसे कहेंगे, आर यू माइंडिंग, ये गलत है, आर यू माइंडिंग माय वर्ड्स, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? डू यू माइंड माय वर्ड्स, डू यू माइंड माय वर्ड्स। लेकिन इसी माइंड का मतलब होता है, इसी माइंड का मतलब होता है ध्यान देना भी होता है। तो हम कहें जैसे आई एम माइंडिंग माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा हूं, मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा हूं, इसको हम कहेंगे आई एम माइंडिंग का मतलब लुक आफ्टर, माइंडिंग का मतलब यहां हो गया लुक आफ्टर, मैं अपने बिजनेस की लुक आफ्टर कर रहा हूं, आई एम माइंडिंग माय बिजनेस।
प्रकार से हम लोगों ने आज इस टेंस के सबसे बड़े पार्ट को समझने की कोशिश की है एंड आई होप दैट यू हैव वेरी क्लियर आइडिया अबाउट दिस टेंसेस एंड राइट एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन टू मेक इट मोर क्लियर. It is said that practice makes man perfect. As more the practice you do, the more you have the knowledge about the part of the grammar. So this is all with the tenses. Thank you very much.